आज अंदाजा 1 बजे 40 मिनट पर अपना पत्रकार को डायल हंड्रेड कॉल आया था। एक बहन को भाई मार गया बोल के फौरन अपना स्टाफ वहाँ पर पहुँच गया। उसके बाद मेरी इन्फॉर्मेशन दिए तो हम भी वहाँ पर स्पॉट पे चले गए। ये बहन का और फैमिली मेंबर्स का डिस्प्यूट है, वो और डेथ हो गई सब। उनका नाम राइस फातिमा है। उन्होंने 2003 अंदाजा वो टाइम पे शादी हुआ है। 1-2 साल के बाद में उसका हस्बैंड डेथ होने के बाद इनके घर पे आके रह गया और उन्होंने और उसके 2 बच्चे भी पेरेंट्स के पास ही रह रहे हैं। और डिसीज्ड को और उसका बायां पूरे 5 लोग हैं। छोटा छोटा इश्यूज में आर्गुमेंट्स होना, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट में भी आर्गुमेंट्स हो रहे हैं। उसमें डिसीज का एंगर वन आरिफ है उसका नाम, तो इनका टॉर्चर बहुत कर रहे बोल के उन्होंने घर भी खाली करके नियर बाई लोकेशन पे ले घर ले लिया। तो फिर भी बाद में हर बार आके उसका बहन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप क्या होना हम दे देंगे, यहाँ से आप हट जाओ बोल। तो उन्होंने बार बार मैं नहीं जाता, मैं केस डालता हूँ बोल के थोड़ा टेम्प्टेड वर्ड्स दे रहे थे कहते हैं। और 1 हफ्ता 10 दिन से भी मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने नहीं मान रहे। तो इसलिए मैं ये कदम उठाना पड़ा। आज भी सुबह बातचीत में कर रहे, उनको जाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, उन्होंने नहीं जाता बोल के मना कर रहे हैं। गुस्से पे आके मैं उसके ऊपर वो किचन नाइफ है उसे मैं हमला करा बोल के मालूम पड़ा है। सर पुलिस ने इंपोज किया? ये ऑब्वियसली उनका डेथ तो पहले तो थोड़ा सांस था तो हॉस्पिटल शिफ्ट होने के टाइम पे डेथ हो गया। डेथ का डेथ ओनली हॉस्पिटल शिफ्ट करे थे तो डेथ का सेक्शन वही है 302 में एफ आई आर करेंगे उसके ऊपर। अभी पता करना है, एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है बोल के मालूम है, क्योंकि उन्होंने टिम्बर बिजनेस करता है, फैमिली पूरा उन्हें लीड करता बोल के मालूम है। हमला करने के बाद एक्यूज वहीं थी सर या निकल गई थी? वहाँ तो नहीं है, अक्यूज नहीं है, एक्यूज अभी अरेस्ट नहीं है। नहीं नहीं, वो अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आया है उसके खिलाफ।